अभी जो भी दिल्ली में सरकार बनेगी उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शामिल होगा। बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी, और इनके तो दिमाग ठीक हो जाना चाहिए समाजवादी पार्टी इसलिए ठीक हो जाना चाहिए था। कितनी सीटें थी? 234 उस समय विधायक थे जब हमें हटाया था, बस 234 थे। 234 हमारे और नेताजी के जब अपमानित किया है तब कितनी आई? 47। हम तो जीतेंगे, हम तो चुनाव लड़ेंगे एमपी का पक्का। अपनी बात चुनाव लड़ेंगे, एमपी का चुनाव लड़ेंगे, और 2022 में देख लेना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बना। और सही है कि नेताजी प्रधानमंत्री बन सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे, अगर हमारी पार्टी का मैनेजमेंट दिल्ली में ठीक होता तो नेताजी प्रधानमंत्री भी बन जाते, राष्ट्रपति भी बन जाते। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, और जब से ये सरकार बनी है तब से परेशानियां ही परेशानियां लोगों के सामने हैं। और परेशानी इसलिए है कि कहीं पर भी न्याय नाम की चीज बची नहीं है। जो कब्जे भी होने लगे हैं, और हमने इसलिए भी ये नई पार्टी बनाई है, जब हमने ये आवाज उठाई नेताजी ने हमारा समर्थन कर दिया तो दोनों को अपमानित होना पड़ा, नेताजी को और हमको बर्खास्त भी किया, नेताजी को पद से जबरदस्ती हटा दिया।